संयम, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, मन शांत रहेगा। छोटे छोटे बच्चे जितने भी यहां पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, न कटा मोबाइल देख रहा हूं, रील चला रहा हूं, ठुमका देख रहा हूं, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, इन्हीं रीलों के चक्कर में तो बर्बाद है। अब पहले के जमाने में आगे को लोगों टिकटॉक है तो वो बंद होगा, अब हमको सिखाया गया, बोले गुरु जी अब रील चल गई, रील में कुछ नहीं होता, फील टाइम भर बर्बाद होता है। तो भाई मन शांति का उपाय क्या है? वासना से बचना है तो चलचित्र को देखना बंद करो। बहुत से बच्चे आते महाराज जी मन में बहुत गंदे विचार आते, ये जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुनो ध्यान से, युवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, भैया वासना से बचना है तो चलचित्र देखना बंद करो। इंद्रिय संयम, इसे शास्त्र में इंद्रिय संयम कहा, आंखों को क्या देखना चाहिए, कान दिए सुनवे को सत्संग, आंख संतों के दर्शन के लिए दी, कान किस लिए, भगवान की कथा सुनने। अब कई बच्चे तो कान में लगा लेते हैं लीड, अब दोनों तरफ लीड लगा करके कोई भी गाली बकता रहे कोई पता नहीं, गुंजू झुंझु कर रहे हैं, हटरी के बरे, भगवान ने तुम्हें म्यूजिक सुनने के लिए कान नहीं दिए, फिर किस लिए दिए, कान दिए सुन मैं को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए, पर जीव, ये जो जीव है इसके चटकारे लेकर बढ़िया चाट पकौड़ी खा करके चटकारे लेने के लिए नहीं दी, फिर किस लिए जीव दी, जीव दई भज मोहन को, दान के काज दिए दो हाथ, ये जो हाथ है ना मोटरसाइकिल चलाने नहीं दिए, ना ना ना, दान के काज दिए दो हाथ, सो पामो दिए तीर्थ घूमन को। तो मन शांति का पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम, आंखों से चलचित्र कम देखो, कानों से भगवान की कथा ज्यादा सुनो, हाथों से गुरु गोविंद के चरणों की सेवा करो। किसकी सेवा? लेकिन नए नए बच्चे तो पिटाई करके दूसरों की सेवा करते, बोलो सीताराम।